इस वीडियो में आज हम बात करेंगे जीआई पाइप के रेट में जो उतार चढ़ाव हुआ है उसके बारे में। जीआई पाइप के हर क्लास की पाइप में लगभग कुछ न कुछ रेट की बढ़ोतरी हुई है, तो जो इस महीने का जो अपडेटेड प्राइस है जीआई पाइप से रिलेटेड, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्योंकि साइट पर इंस्टॉल करने के लिए हमें पाइप परचेस करना पड़ता है, इसलिए हमें पाइप का रेट टाइम टू टाइम अपडेटेड प्राइस हमको मिलता रहता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पिछले महीने में जीआई पाइप का क्या रेट था और इस महीने में क्या रेट था, दोनों का कंपैरिजन करेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि किस किस डायर की पाइप में कितने कितने स्प्रिंकलर इंस्टॉल होते हैं। अभी जो आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है ये पिछले महीने का जीआई पाइप का रेट था। ये रेट सभी डायर के पाइप के हैं और हर एक डायर की पाइप के बारे में इंडिविजुअली बताया जाएगा कि किस डायर के पाइप में कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है और उसका अभी क्या रेट चल रहा है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि हर पाइप में क्यों रेट में बढ़ोतरी हुई है, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे कि क्या क्या ऐसी वजहें हुई हैं जिसकी वजह से हर पाइप में दाम उनके कुछ ना कुछ बढ़े हैं। चलिए अब हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले ऊपर देखिए लिखा हुआ रेड कलर का प्राइस, उसके बगल में लिखा हुआ लमसम, मतलब जो भी प्राइस रहेगा वो लमसम में रहेगा, थोड़ा सा वेरी भी कर सकता है, ज़्यादा नहीं वेरी करेगा बस थोड़ा सा। एक तरफ डायमीटर है और एक तरफ प्राइस है। डायमीटर जो भी रहेगा वो mm में रहेगा और जो रेट रहेगा वो पर फीट में रहेगा। तो सबसे पहले जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो एक इंच का पाइप यानी 25 mm डायर का पाइप, इसका जो पिछले महीने प्राइस था वो 57 rupees पर फीट था, लेकिन जो अभी अपडेटेड प्राइस आया है इसमें इसका रेट हो गया 68 rupees पर फीट। तो इसमें देख लीजिए करीब पर फीट में 11 rupees तक की बढ़ोतरी हुई है। अब बात करें अगर स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन की, तो एक इंच डायर की पाइप में कम से कम 1 से 2 स्प्रिंकलर हम लगा सकते हैं। ये था हमारा एक इंच डायर के पाइप के बारे में डिटेल्स। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारी अगली साइज़ है वो है 32 mm यानी 32 mm। 32 mm डायर की जो भी साइज और प्राइस जो था पिछले महीने में वो 70 rupees पर फिट था, लेकिन अभी जो इस महीने की अपडेटेड प्राइस है उसमें इसका रेट हो गया 85 rupees पर फिट। और अगर बात करें स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन की, तो 32 mm डायर की पाइप में कम से कम 3 स्प्रिंकलर, मतलब एक भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं और मैक्स टू मैक्स 3 स्प्रिंकलर हम इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। जनरली जो 1 inch डायर की पाइप हो गई या फिर 32 mm डायर की पाइप हो गई, इसको हम फायर फाइटिंग सिस्टम में ब्रांच में ही इंस्टॉल करते हैं। जो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है 1 inch डायर की पाइप है और 32 mm डायर की पाइप है, ये देखिए स्प्रिंकलर पाइपलाइन में ये ब्रांचेस लगी हुई हैं, ये ब्रांच में इसका इंस्टॉलेशन होता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं 40 mm डायर की पाइप के बारे में। जो 40 mm डायर का पाइप था इसकी प्राइस थी लास्ट मंथ 81 rupees पर फीट, लेकिन अब इसकी प्राइस बढ़कर हो गई है 98 rupees पर फीट। और अगर बात करेंगे स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन की, तो 40 mm डायर की पाइप में कम से कम 4 से 5 स्प्रिंकलर हम इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब कि एक स्प्रिंकलर से लेके 5, मैक्स टू मैक्स 5 स्प्रिंकलर हम 40 mm डायर की पाइप में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये जो भी रेट हम डिस्कशन कर रहे हैं ये सी क्लास का जीआई का पाइप है। अब चूंकि बेसिकली हम फायर फाइटिंग सिस्टम में सी क्लास के जीआई पाइप का इंस्टॉलेशन करते हैं, इसलिए सी क्लास के पाइप का ही प्राइस का डिस्कशन हम लोग करेंगे। और इस वीडियो में जो भी डिस्कशन हुआ है प्राइस रिलेटेड, ये सी क्लास का जीआई पाइप है। बात करें अगर और भी क्लासेज जैसे ए क्लास बी क्लास का, अगर जीआई पाइप के रेट के बारे में बात करें कि अगर आपको उसके भी प्राइस जानना है, तो हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए बताएं कि उससे रिलेटेड वीडियो हम बना सकें। अभी जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है जो डिफरेंट डायर का पाइप रखा हुआ साइड पे, वो आप देख रहे हैं ये सी क्लास का जीआई पाइप है, क्योंकि इसके देखिए एंड में रेड कलर की मार्किंग की हुई है, रेड कलर का हल्का सा पेंट लगा हुआ है, ये सी क्लास जीआई पाइप का पहचान होता है। नेक्स्ट वीक में हम स्टील पाइप के प्राइस पर भी डिस्कशन करेंगे और उसकी प्राइस लिस्ट भी आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि कुछ वीडियो पे कमेंट आए कि स्टील पाइप के प्राइस पर भी एक वीडियो अपलोड करें, इसलिए नेक्स्ट वीक में हम लोग उस पर भी काम करेंगे। जैसा कि अभी पूरे देश में कोरोना की जो दूसरी लहर है उससे लोग परेशान हैं, जिससे दूसरे सभी कामों के साथ साथ फायर फाइटिंग सिस्टम का भी काम एकदम से स्लो हो चुका है, ऐसी सिचुएशन में लोग नया काम स्टार्ट करवाने का रिस्क ही नहीं ले रहे हैं, जिससे जीआई का ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी हद तक रुका हुआ है। यही कुछ वजह है जिससे जीआई पाइप के भाव में और भी बढ़ोतरी हो चुकी है। हम जीआई पाइप के रेट के बारे में जो भी उतार चढ़ाव आएगा उसके बारे में आपको बताते रहेंगे, इसी वजह से हम अब लगभग हर महीने
कि फर्स्ट वीक में ही GI पाइप के प्राइस से रिलेटेड जो भी उतार चढ़ाव होता है, जो भी उसकी जानकारी होती है, आपको उससे अपडेट करते रहेंगे और महीने के पहले हफ्ते में ही एक वीडियो बनाकर आपको अपडेट कर देंगे कि इस महीने की प्राइस लिस्ट में क्या क्या डिफरेंसेस आए हुए हैं। जो हमारा सी क्लास का GI पाइप होता है उसको हैवी ड्यूटी पाइप भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत हद तक प्रेशर, मतलब करीब 25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक प्रेशर ये इजीली रजिस्ट कर लेता है। इसमें रेड कलर की मार्किंग भी होती है जिस पे, इसलिए इसको हम इजीली पहचान भी सकते हैं। सी क्लास को हैवी ड्यूटी पाइप भी कहते हैं क्योंकि इस पे पंच भी लगा रहता है हैवी ड्यूटी का, उस पे जिंदाल रहेगा, सी क्लास लिखा रहेगा और हैवी ड्यूटी लिखा रहता है। अब अगर हम अगले पाइप की तरफ बढ़ते हैं, अगर 50 mm डाई की पाइप की बात करें तो इसका जो पिछले महीने का प्राइस था ये 121 rupees पर फिट था, लेकिन अभी इस महीने जो प्राइस हो गया है ये बढ़कर 155 rupees पर फिट हो चुका है। मतलब कि आप देख सकते हैं कितनी बढ़ोतरी हो गई है 50 mm डाई के पाइप में। 50 mm डाया के पाइप को जनरली हम सब हेडर में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। बात करें अगर स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन की तो 50 mm डाय के पाइप में कम से कम हम 6 से लेकर 10 तक स्प्रिंकलर इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब मैक्स टू मैक्स 10 स्प्रिंकलर हम 50 mm डाय की पाइप में इंस्टॉल कर सकते हैं। जो भी पाइप मतलब ज़्यादा डाय की होती है, कि मतलब 50 या फिर उससे ज़्यादा डाय की पाइप होती है, उसको जनरली हम सब हेडर हेडर में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इन पाइप के थ्रू हम अगली ब्रांचेस के पाइप, जो छोटी डाय के पाइप होते हैं इनके थ्रू ही अगली ब्रांचेस के पाइप हम निकालते हैं। अब हम अपने अपनी नेक्स्ट जो डाय की पाइप है 65 mm डाय की पाइप की बात करते हैं, तो इसका जो पिछले महीने जो प्राइस था वो 150 rupees पर फिट था, लेकिन इस महीने इसका प्राइस बढ़ गया है। इस महीने इसका प्राइस हो गया 178 rupees पर फिट, मतलब कि इतनी बढ़ोतरी हुई है रेट में। अब अगर बात करें नंबर ऑफ स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन इन 65 mm डाया पाइप में, तो कम से कम 11 से लेके 20 तक, मतलब कि मैक्स टू मैक्स 20 स्प्रिंकलर हम 65 mm डाया की पाइप में इंस्टॉल कर सकते हैं। अब अगर बात करें इसको ब्रांच में, हेडर में या सब हेडर में किस में यूज़ कर सकते हैं, तो इसको सब हेडर में ही ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं। अगर बड़ी साइट है तो उसमें सब हेडर ही रहेगा, अगर छोटी मोटी साइट है तो उसको हेडर के रूप में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा डाय की पाइप हो गई है, अगर उसमें 20 स्प्रिंकलर इंस्टॉल हो सकते हैं तो इसकी साइज जो है ज़्यादा हो जाएगी, तो इसको हेडर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर छोटी मोटी साइट रहेगा तो ये मेन हेडर के रूप में ही काम आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपनी नेक्स्ट डाया की पाइप की तरफ चलते हैं। जैसे कि अब बात करेंगे हम 80 mm डाया की पाइप के बारे में, तो 80 mm डाया का जो पिछले महीने का प्राइस था वो था 190 rupees पर फिट, लेकिन इस महीने इसका प्राइस जो है बढ़ के हो गया 230 rupees पर फिट, मतलब कि लगभग ये 40 rupees यहाँ पर फिट 40 rupees की बढ़ोतरी हुई है। बात करेंगे अगर स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन की, तो 80 mm डाय की पाइप में कम से कम 21 से लेकर 40 स्प्रिंकलर इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब कि मैक्सिमम 40 स्प्रिंकलर हम लोग 40 स्प्रिंकलर इंस्टॉल कर सकते हैं 80 mm डाय की पाइप में। यूज़ कहाँ होता है, जैसे आप स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, ये सिंगल वे हाइड्रेंट पोस्ट है, यहाँ पे भी इसका यूज़ हो सकता है। अब क्योंकि ये 80 mm डाय का पाइप है तो इसमें नंबर ऑफ स्प्रिंकलर ज़्यादा होते हैं, तो इसमें इसको हम सब हेडर या फिर हेडर के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर छोटी मोटी साइट है तो ये मेन हेडर का भी काम करेगा, यहाँ पे इसका इंस्टॉलेशन इजीली हम।
ये लमसम रेट था सारा का सारा जीआई पाइप का। बात करें अगर स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन की, तो इसमें कम से कम हम 100 से लेके 300 स्प्रिंकलर तक इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको जनरली हम रिंग लाइन में भी यूज़ कर सकते हैं। अभी जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये देखिए स्प्रिंकलर लाइन लिखा हुआ है, टावर 11, टावर 10, मतलब कि ये मेन जो हमारा हेडर है हर एक टावर के लिए जो निकल रहा है उसका ये मेन हेडर है। मतलब कि 150 mm डाई की पाइप को हम मेन हेडर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कितनी भी बड़ी बिल्डिंग हो उसमें हम 150 mm डाई का पाइप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए पंप रूम का इमेज है, इसमें देखिए मेन सक्शन हेडर से पाइप निकला हुआ, जिसमें देखिए OSNY वाल लगा हुआ है और वाई स्ट्रेनर लगा हुआ है। ये जो पाइप है ये भी देखिए 150 mm डाया, मतलब कि 6 इंच डाया की पाइप है जिसमें ये सारी चीज़ें इंस्टॉल की हुई हैं। ये देखिए स्प्रिंकलर लाइन में जो अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये अलार्म वॉल लगा हुआ है, तो अलार्म वॉल में भी देखिए ये 150 mm डाया का होता है, तो इसमें अलार्म वॉल में भी 150 mm डाया की पाइप लगी हुई है। ये 6 इंच की पाइप होती है, ये जो असेंबली लगी हुई इसको अलार्म वॉल कहते हैं, ये स्प्रिंकलर लाइन में लगाई जाती है। अभी देखिए ये 4-way का इनलेट ब्रीचिंग इनलेट है, तो इसमें भी देखिए 150 mm डाई की पाइप लगी हुई है। ये 4-way का इनलेट है, इसको ब्रीचिंग इनलेट कहते हैं। इसके थ्रू हम बाहर से पानी मंगा के अगर टैंक में भरना होता है तो इसके थ्रू हम टैंक इनलेट का काम करता है। ये टैंक इनलेट में से पानी हम टैंक में भर सकते हैं। अभी देखिए दूसरे साइड का इमेज है जो स्क्रीन पे आ रहा है, इसमें देखिए वाई स्ट्रेनर लगा हुआ है, ये टैंक से देखिए डायरेक्ट निकाला गया पाइप है। ये 150 mm डाई का पाइप है और इसमें पहले स्ट्रेनर देखिए लगा, उससे पहले गेट वाल लगा हुआ है। ये पंप रूम का इमेज है, इसमें भी देखिए 150 mm डाई का पाइप लगा हुआ है। मतलब पंप रूम में अगर बड़ा पंप रूम है तो मोस्टली 150 mm डाई का पाइप हर जगह लगा होता है, और रिंग लाइन में जैसे हाइड्रेंट पोस्ट हो गया, उसकी रिंग लाइन हो गई, उसमें भी 150 mm डाई का पाइप हम यूज़ कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।